भाई मेरे कल जो मैंने वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड की तो मैंने आप लोगों से रिक्वायरमेंट पूछी थी कि इस टॉपिक पर वीडियो बननी चाहिए। आप लोगों ने कहा कि सर वो लड़की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट वो मुझे भाव नहीं देती, वो मुझे इग्नोर करती है, मतलब एटीट्यूड दिखाती है और वो मुझसे पट भी नहीं रही है, और सर मैं पागल हो चुका हूँ। अब ऐसा वो चमत्कार हो जाए जिससे वो लड़की मुझसे इम्प्रेस भी हो जाए, चाहे उसके अंदर कितना भी एटीट्यूड हो ना भाई, मेरे आज की इस वीडियो को देखने के बाद वो आपसे 100% है कि इम्प्रेस हो जाएगी। जी हाँ, अगर आप लोगों ने भी कोई अपने पर्सनल कमेंट के ऊपर वीडियो बनवाना है तो भाई अभी वीडियो अपलोड हुई है, आप उसके नीचे कमेंट कर सकते हो। भाई मेरे इंस्टाग्राम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिंपली क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हो। सर्चिंग नेम है कैलाश राय 104। तो भाई प्लीज अगर आपको कोई भी वीडियो बनवानी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट कर सकते हो। तो उस पर कमेंट यही था। तो भाई पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर लड़की आपकी नई नई फ्रेंड है, इतना ही नहीं, अगर आपने हाल फिलहाल में उससे दोस्ती यारी की है तो अगर उतना भाव नहीं दे रही है तो मतलब ये फ्रेंड कि आपने उसको प्रॉपरली सही तरीके से इम्प्रेस नहीं किया है, इसके चलते वो थोड़ी बहुत भाव खा रही है। तो मतलब इसमें ये नहीं है कि आपको पागल सो जाना है या फिर ये नहीं करना है आपको ये समझा देना उसे कि यार मैं तुम्हारे लिए इतना टाइम निकालता हूँ, इतना पागल हूँ और तुम हो कि मेरे लिए टाइम निकालते हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्योंकि लड़की को फिर ऐसा लगेगा ये फर्स्ट मीटिंग में ही चेप हो रहा है, फर्स्ट मीटिंग में ही ज्यादा चिपकू टाइप का हो रहा है, तो मैं इससे कट लूंगी, इससे ज्यादा बात नहीं करूंगी, अभी से ये इतना एटीट्यूड दिखा रहा था, आगे चल के बहुत दिखाएगा। तो भाई एक बात समझ नहीं आपको, ये सारा खेल होता है ट्रस्ट का। अगर आप किसी लड़की का ट्रस्ट जीत लेते हो तो ही वो अपना आपको टाइम देती है। तो अगर अभी नया है भैया, स्टार्ट हुआ है तो आपको इग्नोर हो रहा है, छोटा मोटा बात है, इग्नोर करो, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस उससे इंटरेस्टिंग तरीके से बातें करनी है, जैसे हंसकर मुस्कुराकर उससे टॉक करते हो वैसे ही करते रहना है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड जिसको आप जानते हो, तो अगर वो आपको इग्नोर कर रही है, तो आपको अगर वो भाव नहीं दे रही है, इतना ही नहीं आपने उसे पटाने की हर एक कोशिश कर ली है मगर वो नहीं पट रही, तो इसका मतलब भाई आपने अनलिमिटेड भाव दिया है। अब अगर कुछ बंदे कहते हैं कि नहीं सर मैंने तो उसे भाव नहीं दिया, तो भाई एक बार सच्चे दिल से बताना, अपने दिल पर हाथ रख के बोलो, क्या आपने उसके लिए ज्यादा ही कुछ नहीं किया? अगर उसने कहा आपको कि मेरे से मतलब यहाँ पर मुझे कुछ काम है तो क्या तुम मेरे लिए आ सकते हो, तुम कितने भी जरूरी काम क्यों ना कर रहे हो छोड़ छाड़ के उसके पास चले गए, उतना ही नहीं उसे कुछ हेल्प की जरूरत पड़ी तो आपने हेल्प किया, इतना ही नहीं अगर उसने आपको जो भी कहा आपने उसके लिए वो भी किया, तो लड़की को तो लग गया ना कि आप एक मशीन हो, और जब मशीन है तो मशीन की तरह रहो ना। अगर मैं आपको बॉयफ्रेंड डालूंगी तब तो आप मुझ पर हक जताओगे, तब तो आप मुझ पर रौब जताओगे, और तब आप मेरी बात भी नहीं मानोगे। तो भाई ये भी सबसे बड़ा कारण होता है जो लड़की भाव खाती है, इग्नोर करती है और आपके प्रपोजल को रिजेक्ट भी कर देती है। तो आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो भाई आपने समझा मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ? कुल मिलाकर बात ये है फ्रेंड कि आप किसी लड़की के लिए पागल मत हुआ करो यार। इतना ज्यादा पागल होकर आप क्या साबित करना चाहते हो कि वो आपका सच्चा प्यार है, क्या वो आपसे जिंदगी भर जुड़ी रहेगी? नहीं भाई मेरे, अगर आप किसी के लिए ये थिंकिंग रख लेते हो ना स्टार्टिंग में कि यार मैं उससे सच्चा वाला प्यार करता हूं, उससे मैं खोने से डरता हूं, तो एक बात बताओ, ये चीज करने के बाद में आप ये सब काम जरूर करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको उससे प्यार हो जाता है, अगर आप उसके लिए पागल हो जाते हो, तो उसको आप अनलिमिटेड भाव दोगे, अनलिमिटेड चेप होगे, और लड़कियां ना भाई दूर से ही भाप लेती है कौन लड़का मेरे पीछे पागल है, कौन लड़का मेरे पीछे पागल नहीं है। और अगर उन्हें गलती से भी पता चल जाता है ना कि ये मेरे पीछे पागल है, ये मेरे पीछे भगता है, तो उसे और भगाती है, मजे मजे के लिए भगाती है, और आपका कटरा होता है। तो आप ये चीज समझिए भाई, अगर आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो रहा है, अगर वो लड़की भाव नहीं दे रही है, अगर वो आपकी वैल्यू नहीं दे रही है, मतलब जो आपकी वैल्यू होनी चाहिए वो नहीं कर रही है, तो मतलब कि वही है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप उसके लिए क्रेजी हो। और क्रेजी जब होना चाहिए, जब आप एक दूसरे के प्रति प्यार रखते हो, लॉयल बनती रखते हो, तो क्रेजी है तो चलता है, बट अगर स्टार्टिंग में अगर आप क्रेजी हो जाओगे तो आपकी तो कोई वैल्यू नहीं रही ना। तो आप ये बात समझिए मेरे दोस्त। अगला पॉइंट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाइए। जी हाँ, अगर आप चाहते हो कि आप कभी इग्नोर ना हो, इतने नहीं आपको कभी कोई लड़की ऐसा ना हो कि एक बार देखे और दोबारा फिर उसके बाद भाव ना दे और आप किसी लड़की के लिए पागल हो रहे हो और वो आपके प्यार को समझे ना, तो उसके लिए अपनी जो मैंने बताया आपको बढ़ाओ। अब वो फ्रेंड इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि देखो होता क्या है, अगर कोई लड़की आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, कोई लड़की अपने पीछे भगवाती आपको, तो आप उसको फिर भी पीछे भाग पड़ते हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इतनी बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा दी है ना कि अब आपको लगता है कि मैं कुछ हुई नहीं, मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं हुनर, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब जो भी है ये मेरे को बस ये चाहिए, उसके पीछे आप भाग पड़ते हो और भाई लड़की इसके चलते आपको इग्नोर करती है। आप लोग कहते हो ना कि सर मुझे इंस्टाग्राम पर इग्नोर किया जा रहा है, इतने नहीं सर मुझे मैसेज मैं किसी लड़की को करता हूँ वो भी मुझे इग्नोर कर देती है, व्हाट्सएप पर बात करने नहीं चाहती है, सीन करके मैसेज देती है। तो भाई आपको भी ऐसे ही करना है क्योंकि किसी भी लड़की को ये पसंद नहीं है कि तुम मुझे इग्नोर करो। लड़कियां क्या होती है अपने फ्रेंड सर्कल में बोलती है कि तुझे पता है मैं इतनी ब्यूटीफुल हूं ना कि वो लड़का मेरे पीछे पागल है, तुझे पता है मेरे पीछे तो इतने पागल है, तुझे पता है मेरे पीछे तो ये है, मुझे तो कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता है। अब अगर वो लड़की आपको मैसेज करके सीन कर देती है, अगर आप वो देखकर इग्नोर कर देती, तो अगर आपने भी ये सिचुएशन पैदा कर दी ना कि उसने मैसेज किया और आपने थोड़ा सा टाइम लिया, अगर आपसे पूछती है कि क्या बात है इतनी बिजी कैसे हो, तो बोलना है कि यार मेरे पास कुछ और भी तो काम होता है, दिन भर तुमसे ही बात करता रहूंगा, ये बात उसको थोड़ी सी चुभेगी और उसको बहुत ही ज्यादा बुरा भी लग सकता है, ठीक है।
पर आपको ऐसा ही करना है कि जब आप उसे इग्नोर करोगे ना, तब उसे पता चलेगा यार लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया, ये लड़का ऐसा तो था नहीं, तो मेरे से काफी अच्छे तरीके से बातें करता था, अपनी सारी बातें शेयर करता था, जो मैं से कहती थी वो भी करता था, इसे मैंने इग्नोर किया तो अब इसने भी मुझे इग्नोर करने लग गया, यार ये तो गलत बात हुई। और जब फ्रेंड ये बात सब उसके फ्रेंडों के बीच में चलेगी ना कि यार तुझे भी कोई इग्नोर करता है तुझे पता है, अब उस लड़की जो कटेगी ना बाई गॉड, उसके चलते वो आपसे बात करने के बहाने ढूंढना चाहेगी, बजाय इसके अगर आप चाहो तो उसके पीछे भाग सकते हो भाई, वो आपको भगाती रहेगी। पर जो आपके भाई टिप दे रहा है ना, ये टिप आपको हर कोई नहीं दे सकता, हर कोई समझा नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि लड़कियों की सोच क्या होती है कि हर लड़के एक जैसे होते हैं, लड़के को थोड़ा सा भाव दो लड़का हमारे पीछे भाग पड़ेगा। पर भाई एक बात सुन लो, आप लव एडवाइस के भाई हो, कोई मामूली भाई नहीं हो, तो आप ऐसी गलती नहीं करोगे इस वीडियो को देखने के बाद से। और तो भी अगर आपकी वो लड़की रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, इतना ही नहीं आपको वैल्यू नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है कि फ्रेंड अभी भी आप चमचे बने फिरे हो। जी हाँ, लड़की को फ्रेंड अपना खुद का भी एटीट्यूड दिखाना चाहिए यार, ऐसा नहीं है कि आप उसके पीछे पागल रहो। मेरे कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि हर एक काम में उसके लिए हाँ में हाँ मत मिलाया करो, कभी मना भी करो कि लड़की को ये पता चले कि इस लड़के की सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमेशा ही मेरे पीछे दू मिलाता नहीं फिरता है, अपनी अगर कुछ बात कहनी हो तो ये कहता है, डरता नहीं है। तो फ्रेंड ये बात भी समझो यार, क्योंकि लड़कियों को ना ऐसे लड़के बहुत ही जेन्युइन लगते हैं, जिनको जो काम होता है मुंह पे बोल देते हैं कि यार ऐसी बात है मतलब मेरे पास टाइम तो है नहीं, तुम चाहो तो ये कर सकते हो, तुम चाहो तो वो कर सकते हो, बट मैं अभी नहीं आ सकता। लड़की के सामने फ्रेंड ऐसा रुआ पड़वाना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्या होगा आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी। जो लड़की आपको भाव नहीं देती वो लड़की भाव देने पर लग जाएगी, इतना नहीं जो लड़की आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती, जो लड़की आपके प्रपोजल रिजेक्ट कर दे ना, उसको भी पता चल जाएगा कि ये लड़का बहुत ही अच्छा था मेरे लिए, लड़का मेरी हर काम करता था, मगर मैं इसके नहीं हो पाई तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा सेंटर बन चुका है, इस लड़के को अपनी लाइफ में वापस लाना ही पड़ेगा। और देखना फ्रेंड वो आपको खोने से ना डरने लग जाए ना, तो आप कहना मुझे, आपके प्रपोजल को जो रिजेक्ट की थी वो एक्सेप्ट ना करने लग जाए तो आप मुझे कहना, और जो लड़की आपको भाव नहीं देती ना, वो लड़की इस वीडियो को देखने के बाद अगर भाव ना दे तो आप मुझे कहना, समझे फ्रेंड। ये सब था पॉइंट, अगर आप इस पॉइंट को माइंड में बैठा लेते हो, इस पॉइंट को रिपीट करते हो, तो कोई लड़की नहीं है फ्रेंड जिसको आप पटा नहीं सको, चाहे वो एटीट्यूड वाली हो चाहे ना हो। तो फ्रेंड इस तरीके से यूज करना है इस टिप को, ठीक है। देन आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर इसका आपको पार्ट टू देखना है तो भैया मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर रखा है, आप चाहो तो उस पर भी क्लिक करके मेरा पार्ट टू देख सकते हो, मतलब उस पर भी सेकंड चैनल है भाई, भाई को प्यार कर दो वहां भी यार, जैसा प्यार आप इस चैनल पर करते हो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अंदर देने में अच्छी लगी है तो प्लीज 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 इस वीडियो पर लाइक करिएगा। अगर आपको ऐसी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो बनवाना है तो मैंने इंस्टाग्राम पर जस्ट वीडियो अपलोड किया, उसके नीचे कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, सर्चिंग नेम है कैलाश राई 104, ठीक है। वीडियो पर करो एक लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस कर दो फ्रेंड, और अपने दोस्त यार भाई बंधु जो भी है उन सबके साथ ही वीडियो शेयर करो, क्योंकि भाई देखो ये वीडियो ओनली एजुकेशन के लिए, ठीक है, मैंने इस वीडियो में कोई गलत चीज नहीं बताया, तो प्लीज यार शेयर जरूर करिएगा, कोई भी प्रकार की हेल्प हो इंस्टाग्राम पर।